पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच पकड़ बनाने में लगे हैं। वहीं आज महरमा प्रखंड अंतर्गत अमौर पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि निरंजन सिन्हा ने बताया कि हम जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं और पहले से भी जनता का हम सेवा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर हमें जनता जिताती है तो हम जनता के बीच अपना मंथली पेमेंट बांट देंगे। आप देख रहे हैं KBP न्यूज, मैं हूं बिट्टू कुमार। आज हम पंचायत चुनाव का कवर करने के लिए महकामा प्रखंड के अमौर पंचायत आए हुए हैं। वहां पे जानेंगे कि क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। वहीं के एक मुखिया प्रतिनिधि से बात करेंगे, क्या अब की बार वो अगर चुनाव मैदान में है तो क्या कारणवश है कि वो चुनाव में आए हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या वो विकास करेंगे। आपका स्वागत है सर। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे तक पहुंचने का आप लोग ने प्रयास किए। महरमा प्रखंड में यह अमौर गांव है, जो अमौर पंचायत भी है, जिसमें मैं अपनी धर्मपत्नी मधुमाला सिन्हा को खड़ा किए हैं। मेरा खड़ा करने का उद्देश्य मुखिया बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य है समाज का विकास और हर घर में सरकारी लाभ पहुँचे, जिससे लोग बहुत तरह से आज वंचित हैं। इसके लिए ये मैदान में उनको उतारा गया है। जनता जो भी है निर्णय अच्छा लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है अमौर पंचायत के जनता पर। जब मुद्दे की बात, आज की बार आप जो खड़े हुए हैं पंचायत में, क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या मुद्दा है आपका? बस मेरा मुद्दा एक ही है, विकास। जो आज तक 10 साल 11.5 साल हो गया पंचायती राज बनने से, मुझे लग रहा है कि पूरे झारखंड में पहला अमौर पंचायत होगा जो लूट खसोट से भरा हुआ है। जो आदमी पैसे दिए उनका इंदिरा आवास बन गया, चाहे उसका पक्का का मकान है फिर भी इंदिरा आवास पास हो गया। जो आदमी फूस के मकान में रह रहे हैं, मुझे तो रोना आता है। हालांकि हम कर क्या सकते हैं, जब तक हमारे पास पंचायती राज का पावर नहीं आएंगे तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही पंचायती राज का पावर आएंगे तो अमौर पंचायत में एक भी फूस का मकान दिखाई नहीं देंगे, और पीसी पगरी से हट करके यहाँ पर हमारे घर में कोई 50 पैसे भी कमीशन लेने वाले नहीं है, नहीं कोई तरह का पीसी लेने वाले हैं। यहाँ तक कि जो मुखिया को 1000 रुपीस सरकार देते हैं, वो भी प्रत्येक महीना हमारे 5 गांव जो हमारे पंचायत में है, जैसे अमौर है, नीमा है, खिरौंदा है, घोरीकित्ता है, बहरा है, छोटा सा शांति नगर है, तो गरीब के लड़की की पढ़ाई में ब्लॉक के सामने एक सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल बनाए, ताकि रूरल क्षेत्र के बच्चे ऊंची शिखर पे पहुंच सके, अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके,